बच्चों, हमने पिछले पाठ में विभिन्न आकारों को पहचानना सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक दिन तूफान कछुआ अपने सबसे प्यारे खिलौने के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था। अचानक उसके हाथ से वो खिलौना फिसलकर तालाब में गिर गया। तूफान ने तालाब में तुरंत छलांग लगाई और उसे ढूंढने लगा। तूफान का खिलौना ऐसा दिखता है, लेकिन ये क्या? तूफान का खिलौना तो रंगीन था। क्या आप तूफान के खिलौने में छिपे आकार ढूंढ उसकी तस्वीर में फिर से रंग भर सकते हैं? आइए हम सबसे पहले गोल सर्कल को ढूंढते हैं। आप भी मेरे साथ इसे ढूंढें। ये रहे हमारे गोल सर्कल के आकार। इन्हें हम काले रंग से रंगेंगे। अब क्या आप यहां छिपे त्रिकोण ट्रायंगल ढूंढ सकते हैं? आइए हम इन्हें नीले रंग से रंग ले। अब क्या आप इस चित्र में छिपे आयत रेक्टेंगल ढूंढ उनमें हरा रंग भर सकते हैं? बिल्कुल सही। अब आखिरी छिपे आकार वर्ग स्क्वायर को ढूंढें और उनमें पीला रंग भरें। अरे वाह बच्चों, आपने तूफान की बहुत मदद की। अब तूफान अपने खिलौने का रंगीन चित्र लिए उसकी तलाश में तालाब में घूमने लगा। तालाब में तूफान को कुछ मछलियां मिली। उसने अपने खिलौने की तस्वीर उन मछलियों को दिखाई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसके खिलौने को देखा है। मछलियों ने तूफान से कहा कि उन्होंने उसके खिलौने को एक बक्से में छिपा दिया है। यदि वो उन मछलियों का एक चित्र ये आकार इस्तेमाल कर बना पाएगा तो वे उसे उस बक्से तक पहुंचा देंगी। क्या आप तूफान की मदद ये चित्र बनाने में कर सकते हैं? अरे वाह बच्चों, आपने ये मछली का चित्र तो बहुत सुंदर बनाया है। मछलियां खुश हो गई और वे तूफान को उस बक्से के पास ले गई जिसमें उसका खिलौना छिपा था। तूफान बक्से को देख बहुत खुश हो गया। बक्से पर एक तरह का पैटर्न बना था। तूफान ने बक्से को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बक्सा नहीं खुला। तब एक मछली ने उससे कहा कि बक्सा खोलने के लिए उसे उस बक्से पर बने पैटर्न के कुल त्रिकोण की संख्या बतानी होगी। बच्चों, क्या आप बक्से पर बने इस पैटर्न में कितने त्रिकोण हैं? ये बता सकते हैं? बच्चों, बक्से पर बने इस पैटर्न में कितने त्रिकोण हैं? इन्हें हम इस तरह से ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ 10 त्रिकोण हैं। अब मछली ने बक्से को खोल दिया और तूफान का खिलौना उसे लौटा दिया। बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न आकारों को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखें।